आप जानते हैं ये फिल्म मैंने जब देखी पहली बार, पहले तो मैंने देखा कि इतने सारे कभी मेरी फिल्म में नहीं लगे, ये सब ये फेदर्स जो हैं, ये जो लीव्स हैं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल, कनाडा, सब ये सब जगह गई है फिल्में और लोगों को पसंद आई है, तो मेरी कभी फिल्मों में ऐसा कभी लगा नहीं। तो मैंने कहा इसमें मुझे अपना नाम देना चाहिए, तो मैंने अपना इस फिल्म के अंदर नाम दिया। खैर वो तो मैंने मजाक के तौर पे कहा, लेकिन ये फिल्म को देखने के बाद एक 28 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एक पूरा जिसको कहते हैं ना एक पूरा एक्टर मैंने कभी देखा है तो वो मैंने इस फिल्म के अंदर देखा। एक ऐसा रूप एक एक्टर का कि मुझे लगा कि ये वाकई में जो रोल परफॉर्म कर रहा है ये वाकई में ऐसा ही है, मुझे लगा ही नहीं एक सेकंड के लिए। 28 साल हो गए मुझे, मुझे कभी इतनी अच्छी एक्टिंग किसी की नहीं लगी जितनी इस फिल्म में इस इंसान की लगी। मैंने अपनी फिल्मों में, इतने सारे फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, मैंने कभी भी कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। लेकिन ये 1.5 करोड़ में बनी फिल्म, इसमें मैंने अपना नाम दिया। और उसकी वजह है कि एक ऐसे एक्टर से मेरी मुलाकात हुई जिसको मैं कहूंगा कि इसे कहते हैं एक्टिंग। मैंने कभी नहीं देखी इससे सुंदर एक्टिंग, इससे रियल, और वो है, आप सब जानते हैं, स्वानम। आप खैर अभी तो ये फिल्म रिलीज 27 जुलाई को होने वाली है, तभी आप लोग देख के कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस फिल्म को देखा है, जितना भी मैं इसके बारे में कहूँ उतना कम है। और साथ में ये जो दो छोटे जो नौजवान हैं, इनकी ये पहली फिल्म है, स्वानंद की भी ये पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म में इन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो मैं 130 फिल्मों में नहीं अभी तक कर पाया। ये वो लोग हैं। और वैसे भी मैं कहूँ मराठी सिनेमा की बात ही कुछ अलग है, मैंने कई मराठी सिनेमा कई फिल्में देखी हैं, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, ये मतलब मैंने इससे पहले 72 माइल्स करके एक फिल्म थी वो भी प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसमें भी मैंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इसमें दिया। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपना नाम दिया इस पे मूवीज में। और अब आपने नाम के साथ चुंबक मूवी लेकर आ रहे हैं, आपने मराठी सिनेमा पर कभी स्टडी करी है, जैसे शायद पहली मराठी मूवी कौन सी थी, मराठी सिनेमा कहाँ से शुरू हुआ? तो आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं मराठी पहली फिल्म एक्चुअली मुझे मालूम है मराठी पहली फिल्म कौन सी थी, 1912 में आई थी, श्री पुलकित, बराबर है, श्री पुलकित या पुंडली, लेकिन श्री था ना, सॉरी अ लिटिल बिट मिस्टेक, हाँ नहीं अभी भी है, बराबर बराबर अभी भी है। और मुझे ये भी मालूम है कि फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म एक मिनट कोई बोलना नहीं हो, खरच परीक्षा चालू है, राजा हरिश्चंद्र पर ना है, अयोध्या राजा, मैडम तुम्हाला एक चुंबक ची एक फ्री टिकट। हेच काय, एक मिनिट हो भांडायचं बाहेर जा ना, सॉरी हॅलो सॉरी। तुम्ही आताच म्हटलं की मराठी सिनेमामध्ये कंटेंट हा नेहमी राजा असतो, सुपरस्टार आमचा कंटेंट असतो मराठी सिनेमाचा, तीच कुठे ना कुठे मराठी सिनेमांची USP आहे असं तुम्हाला वाटत नाही का? हो बिलकुल आहे, हीच आहे USP आहे। हे बघा ना,
मी हे फिल्म बघितलं, ह्याच्या काय आहे, 1.5 करोडची फिल्म आहे, ह्याच्यामध्ये बघितलं मी काय, ते बघितलं मला काय, कंटेंटच बघितलं, म्हणून मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये मला नाव द्यायचं आहे. मी ह्याला बघितलं, हे दोघांना बघितलं, मला वाटलं काय हे. आणि ते पण हे पहिल्यांदा ऍक्टिंग करतात, तिघही पहिल्यांदा ऍक्टिंग करतात, त्यांना काय माहीत पण नाही. आणि द काइंड ऑफ ऍक्टिंग दे हॅव डन नाव, तो आय हॅव द मीडिया ऑल्सो बॅकिंग मी, मिस्टर ज्योती हू सीन द मूवी. सो आय थिंक मी से दिस इज, आय कम्प्लिटली बिलीव दॅट द कंटेंट इज द किंग. एक प्रश्न यालाच जोडून, की तुमची पहिली गर्लफ्रेंड ही पण मराठी होती, तर त्याच्या काही आठवणी? ती पण मराठी नव्हती, महाराष्ट्र नव्हती. त्याच्या काही आठवणी? या सो तिला चांगलं वाटलं. आणि ते सिलेक्टेड लोक नव्हतं, ते हे लोकांनी मला दाखवलं, दाखवण्यासाठी ते आणलं होतं, तर मला सिलेक्ट केलं हे लोकांनी, तर ते त्याच्यामध्येच आले होते हे फिल्म बघायला. आणि त्यांना खूप आवडलं. अँड बिकॉज ऑफ हर, आय मीन से शी वॉज अ पर्सन, माय मराठी टीचर हू टॉट मी मराठी, अँड बिकॉज ऑफ हर आय कॅन स्पीक सो मच ऑल्सो. आलम फोटो बाकी ना. सो गाईज थँक यू व्हेरी मच, अँड आय होप यू गाईज लाईक दिस फिल्म, अँड थँक यू फॉर बिईंग हिअर. Oh, you watched it too? Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Hey.